मैं ज्योति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज के समाचार की ओर। आदाब, नमस्कार, मैं उदीश जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम त्रिलोकपुरी के जो है 17 ब्लॉक में मौजूद हैं और यहाँ पर किसी एक मुद्दे को लेकर कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए हम आपको उस कॉन्फ्रेंस का पूरा आंखों देखकर हाल सुनाएंगे, क्या क्या उसके अंदर हुआ, कौन कौन थे उसके अंदर, क्या मुद्दा था। देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। हमारा उद्देश्य सिर्फ खबरें ही दिखाना नहीं, हमारा उद्देश्य है सच्चाई आप तक पहुँचाना। देखते रहे। मीडिया का मैं आभारी हूँ, मीडिया को इसलिए बुलाया था मैंने क्योंकि मैंने जितेंद्र वह एडवोकेट कार्तिक की कंप्लेंट मैंने शिकायत के तौर पे मैंने गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री साहब को, मोदी साहब को चिट्ठी दी थी, गृह इनको एमसीडी के डीसी साहब को भी दी थी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी चिट्ठी दी गई इस बावजूद में भाई इनकी दुकान जो है बंद नहीं की जाए, लेकिन उनके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोबारा फिर शिकायत भेजी गई इनको, लेकिन उस पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। अब ये मजबूर होकर के ये 20 तारीख को डीसी के यहाँ मजदूर की संख्या को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा ज़बरदस्त, जितेंद्र को न्याय मिल सके। कभी एमसीडी लिखती है कि ये जी दुकान सील करी जाए, कभी कहती है कि ये अवैध है। अगर दुकान अवैध है तो पूरी बिल्डिंग अवैध है, पूरी बिल्डिंग को तोड़ा जाए। इन बातों को लेकर के 20 तारीख को प्रदर्शन करा जाएगा डीसी के यहाँ और डीसीपी गाजीपुर पे और सूर्यवंशी एडवोकेट वकील साहब के यहाँ भी प्रदर्शन उसी डेट में होगा। ये मेरा क्या समय है? समय सुबह 11 बजे से 4 बजे तक का समय है, जो कि 11 बजे वहाँ पे मजदूर की संख्या में डीसी के यहाँ पहुँचेंगे पटपड़गंज इंडस्ट्री एरिया में, वहाँ पे प्रदर्शन होगा, वहाँ के बाद होगा गाजीपुर डीसीपी के यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बाद सूर्यवंशी के निवास पर होगा कोटला में। आपके साथ जितेंद्र मौजूद हैं? हाँ जी बिल्कुल हैं, वो मन से धन से बहुत साथ हैं और मैं चाहता हूँ इनको न्याय मिलना चाहिए। जितेंद्र जी क्या समस्या है आपको? सर, समस्या तो ये है कि मैं एक मेहनत मजदूरी करके एक दुकान खरीदी कि चलो अपने बच्चों का लालन पालन करूँगा किसी तरह से, ठीक है, लेकिन वहाँ दुकान के ऊपर एक दिलीप कुमार सूर्यवंशी जी रहते हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं आपको काम नहीं करने दूंगा यहाँ पे, आप चाहे जिस मर्जी के पास चले जाओ। मैं इससे पहले भी मैंने कई जगह शिकायत कर चुका हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी साहब के यहाँ भी दिया हुआ, माननीय अमित शाह जी के यहाँ भी दिया हुआ है, अरविंद केजरीवाल साहब के भी दिया हुआ है और LG साहब के भी दिया हुआ है, मतलब लगभग सरकारी महकमे में मैं हर जगह अपनी अर्जी दे चुका हूँ कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा काम किसी तरह चला तो मेरा बाल बच्चा जो है ना सड़क पे आ गया है और मैं खुद भी बहुत बर्बाद हो चुका हूँ, बिल्कुल मेरे पास रोटी के लिए बिल्कुल एक एक रोटी के लिए मोहताज हो चुका हूँ मैं। वो ये कहते हैं कि जी आप जिस मर्जी के पास चले जाओ, मैं आपका काम नहीं करने दूंगा जो, ठीक है ना, आपका काम बंद करवा के छोड़ूंगा। मेरे डेली कोई ना कोई नोटिस है भेजते रहते हैं मेरे को, जो मैं तंग आ गया हूँ, मेरे पास एक रुपया नहीं है कि मैं नोटिस का भी जवाब दे सकूँ, जो मैं बिल्कुल भुखमरी के कगार पर आ गया, मुझे लगा लो कैसे बच्चे को पालूंगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कहते हैं कि ये है जी, कभी कहते हैं वो जी, मैं रोज़ मैं काम छोड़ के मैं कोर्ट और कचहरी जाता रहूँ, कभी MCD का चक्कर लगा रहा हूँ, कभी DCP के यहाँ लगा रहा हूँ, कभी MCD के यहाँ जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, ना कुछ काम कर पा रहा हूँ मैं जो है। किसी महकमे में आपकी सुनवाई नहीं हुई? कहीं से कोई साहब कोई आज तक कोई फ़ोन नहीं आया, एक फ़ोन नहीं आया, ना कोई आए मेरी दुकान पर कि हाँ जितेंद्र जी आपको क्या दिक्कत है बताइए जी। आप धंधा देने जा रहे हैं जी, जैसे यूट्यूब में जानकारी है, तो आपके साथ में कौन कौन है या कोई पॉलिटिक्स भी हो रही है इसके? नहीं साहब, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बस हमारे साथ जो है ये हमारे यूसुफ भैया जो हैं, यूसुफ जी जो हैं, जो है ये एक मजदूर यूनियन लीडर जो हैं, ठीक है ना, और हमारे भीम आर्मी के विक्की पारचा जी हैं, ये सब हमारे साथ हैं, ये हमारे भैया विजय जी जो मनोज जी जो हैं, ये भी हमारे साथ हैं, ये बोले कि कोई नहीं गरीब के साथ देखते कैसे अन्याय होता है, हम भी देखते हैं, तो ये इन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें किसी बात के लिए। पहले तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। जैसे कि आज हम
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, माननीय यूसुफ साहब और जितेंद्र भाई एक कंप्लेंट लेके हमारे पास आए हैं कि इनके साथ में कुछ लोग हैं जो उत्पीड़न कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने बड़ी मुश्किल से एक दुकान उन्होंने ली थी, खरीदी थी, और उस दुकान को लिए उन्होंने 2016 में उन्होंने जो दुकान ली थी कि अपने परिवार को चलाना है, मुझे कैसे करके पे खर्चा पानी चलाएंगे, आज के लाइफ में आपको पता है कि रोजी रोजगार कहीं नहीं है, पर गवर्नमेंट इतनी सारी आई अभी तक किसी ने रोजी रोजगार नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से लोग इकट्ठा करके अपनी पूंजी इकट्ठी करते हैं और जाके अपनी रोजी रोजगार इकट्ठा करके चलाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं मनुवादी टाइप के जो लोग हैं तो उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से उनको उत्पीड़न करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको तंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी मुझे बताया जितेंद्र भाई ने कि अभी इनके उन्होंने जब से दुकान ली है, जब से एक साहब हैं दलीप सूर्यवंशी जी हैं जो उनको वहाँ किसी कारण से इनको उनका व्यवसाय करने नहीं दे रहे और काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं ये लोग, भाई संघर्ष भी कर रहे हैं, यूनियन है हमारी भारतीय लेबर यूनियन है जिन्होंने वहाँ पे भाई अपने कहना लेटर भी लगाए हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है संगठन, ये मजदूरों के लिए बनाया गया है, ये उत्पीड़न के जो जिन लोगों पर उत्पीड़न करते हैं, जो लोग उनको असहाय समय उनको जो तंग करते हैं उनकी आवाज़ को उठाने के लिए भीम आर्मी बनाई गई है। मैं इन भाई को मैं आश्वासन देता हूँ कि हम पूरी संगठन जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ खड़ा है। आने वाली 20 तारीख को जैसे कि उन्होंने बताया कि हम लोग धरना करने वाले हैं, धरना देने वाले हैं कोटला विलेज के अंदर जहाँ इनका ऑफिस है, जो सूर्यवंशी जी है दलीप सूर्यवंशी जी के यहाँ पे इन्होंने इनको इतना तंग कर रखा है काफ़ी समय से, ये 2-3 साल से कम काफ़ी टाइम से ये लोग वहाँ बिल्कुल भी अपना व्यवसाय नहीं चला पा रहे हैं, तो उनके ऊपर हम लोग धरना करेंगे कि अभी आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज के टाइम में इंसान रोजी रोजगार देता है ना कि छीनता है, आज वो उनका रोजी रोजगार छीनने का काम करे जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके साथ में कोई मनुवादी ताकत है जिसको लेकर उनके ऊपर में वो उत्पीड़न कर रहे हैं। तो मैं अपने जितेंद्र भाई को पूरे आश्वासन पूरे होश आवाज में बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी ये बोलेंगे वहाँ पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग जनता पार्टी के लोग खड़े रहेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे, 200% न्याय दिलाएंगे, उनके साथ हम खड़े हैं। जय भीम जय भारत। आंदोलन को लेकर आपकी क्या तैयारियां हो रही हैं? सबसे पहले सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि चंद्र भाई का जो मामला था वो मेरे संज्ञान में आया, मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया कि अगर जो भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि त्रिलोकपुरी विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मैं इनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि हम जिस भीम आर्मी एकता मिशन जो हमारी जो पार्टी है या संगठन है वो शोषित वंचित समाज के साथ है। कहीं भी अगर किसी प्रकार से कोई भी मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति पीड़ित करेगा, उसके साथ जो पीड़ित करने काम करेगा, जो पीड़ित पर जो है हम उनके साथ सदैव खड़े हैं। और आंदोलन को लेकर हम 20 तारीख को भाई जितेंद्र जी के साथ इनके दुकान पे, जहां इनका दुकान है उसके ऊपर ही रेजिडेंस पे दिलीप सूर्यवंशी रहते हैं, उनके यहीं हम धरना देंगे और उनको बताएंगे कि जो देश और जो कानून है वो संविधान से चलता है, संविधान सबको अधिकार बराबर देता है, तो उसको उनको बताने की ज़रूरत है नहीं है कि जहाँ भी हमने आंदोलन किया है इतिहास गवाह है, हमने अपना न्याय लेके आए। आपके लिए सभा हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें आपने बताया कि हम हर मामले को लेकर तैयार हैं, लेकिन कभी कभी सरकार ऐसे शिकंजे कस देती है कि आदमी परेशान हो जाता है, उस परेशानी में आप क्या करेंगे? जैसे कि आपने बताया कि भाई क्या नाम है जो सरकार है वो अगर मान लो परमिशन को लेकर या किसी तरह के कानूनी दाव पेश को लेकर आपको धरना ना देने दिया जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं देखो, पहले तो हम बताना चाहते हैं हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जो नेता हैं एडवोकेट चंद्रशेखर साहब और हमारे पर जिनकी विचारधारा में काम करते हैं माननीय क्या नाम है काशीराम जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, इन्होंने कोई भी कानून नहीं तोड़े, तो हम भी कोई कानून नहीं तोड़ेंगे और हम लोग जो भी है संवैधानिक रूप से धरना देंगे और वहाँ पे नहीं देंगे हमारे को, अगर वो नहीं देते हैं करने का क्या नाम है वो आंदोलन करने के लिए वो गुनाह करते हैं, मगर उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे कि भाई हमें क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है तो हमें लड़ना, अभी हमें उसके लिए हम लड़ना पड़ेगा, अब लड़ेंगे हम एज पर कानून। आप सब जगह सूचना दे चुके हैं और आज यानी कि सूचना धरने की दे रहे हैं, आप किस किस महकमे को आपने डीसीपी और एमसीडी और किस किस को सूचना दी है आपने?
सूचना केजरीवाल साहब को दी है, माननीय मोदी साहब को दी गई है, गृह मंत्री साहब को भी दी गई है, एलजी साहब को भी पहुंची गई है। धरने की सूचना नहीं, धरने की नहीं, इसको ये पहुंची गई है आपको, डीसी को दे दी गई है, एमसीडी डीसी साहब को, डीसीपी पूर्वी दिल्ली के जो डीसीपी हैं उनको भी सूचना दे दी गई है कि इतनी तारीख को धरना होगा। पीएस पाटनगर के खिलाफ भी होगा, इसलिए क्योंकि जब जितेंद्र की पहली धमकी सूर्या बंसी ने धमकी दी गई थी तुझे जान संभाल दी, उसकी कंप्लेंट शिकायत करी गई थी पीएस पाटनगर में, इसमें पीएस पाटनगर के खिलाफ ही प्रदर्शन होगा डीसीपी के। जिस एक धरने के यहाँ पे घोषणा हुई है, क्योंकि हमारी जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली सरकार को भी नहीं पकड़ रही, उनको तरह तरह के हथकंडे लगा रही है, ऐसे में आप क्या करोगे अपने धरने प्रदर्शन को लेकर? सबसे पहले मैं यहाँ आई हुई हमारे मीटिंग रूम को, 10-16 को लेने के बाद 6 महीना जब ये दुकान चलाते हैं, 6 महीने तक कोई पाबंदी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 6 महीने के बाद इसमें किसी तरीके को प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। उसके 1 महीने के बाद 7वां महीने में उन्हें ये प्रॉब्लम आता है कि जिस दुकान को हटा दिया जाए। रीज़न क्या है मालूम है? इस देश का पहला कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री बनने के बाद लोगों और गरीब तत्वों के लोगों के लिए खड़े होने का काम करे थे। उन्होंने कभी भी गरीब लोगों के खिलाफ जाके काम करने का काम नहीं करे थे, लेकिन एक वकील साहब होने के खातिर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कानून को मिस यूज़ मैं बोल रहा हूँ, वकील साहब गरीब सूर्यवंशी जी से वो अपने कानूनी ताकत को मिस यूज़ करके जितेंद्र भाई की दुकान को किसी भी तरीका से खाली करवाने की जो कोशिश कर रही है, उस कोशिश को हम नाकाम करेंगे, क्योंकि हम लोग भीम आदमी और आज़ाद समाज पार्टी के वो लोग हैं जो इस देश के अंदर में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे गरीब तक के कोई भी समाज के लोग हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। और उनसे कह देते हैं हम कि जो 20 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन है, मैं आश्वासन देता हूँ वहाँ पे बैठे जितेंद्र भाई को कि आप अपने 2 कदम आगे रखना, आपके साथ सिर्फ भीम आदमी और आज़ाद समाज पार्टी ने इस देश के हर वो गरीब लोग और वहाँ के कोटला के जितने भी दुकानदार, उनसे भी हम अपील करते हैं कि अगर आज अब जितेंद्र भाई के साथ खड़ा नहीं होते, ये आज जितेंद्र भाई के साथ हो रहा है, कल आप लोगों के भी साथ होगा, तो मैं निवेदन करूंगा सबसे कि आप लोग सब मिल के जितेंद्र भाई के साथ जाएंगे। जो थोड़ा कड़वा एक ऐसा क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप जिससे टक्कर ले रहे हैं जी, वो संविधान की तो बात छोड़िए, आप अपने दो एक ऐसे उनके कौवे हैं ईडी और जी दूसरी चीज भी आप जानते हैं सीआईडी, उसके माध्यम से वो कुछ भी करा सकते हैं, ऐसी स्थिति के लिए आप किस तरह तैयार हैं? ऐसी स्थिति के लिए मैं इस तरह से तैयार हूँ कि देखो मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं ना वहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ जो मुझे किसी भी आदमी से करने की जरूरत है। रोजगार के लिए लड़ रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, उसके लिए मेरे को कहीं भी जाना पड़े, किसी के पास भी जाना पड़े, मैं जाऊँगा और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं अपनी रोजी रोटी अपने बच्चे पालने के लिए तैयार है, हर चेतावनी के लिए तैयार है, हर चुनौतियों के लिए तैयार हूँ मैं, और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन है, इसमें आप हद से हद जवाब दिया है सरकार को कि इस जवाब के सामने कोई भी सवाल खड़ा नहीं होता, देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब।